हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार दोस्तों, अली आज़मी ब्लॉग चैनल के पार्ट दूसरा दिखाने जा रहा हूँ, दूसरा पार्ट टू। देखिए, आपको दिखाने जा रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे गन्ना, जिसको बोलते हैं गन्ना, ऊख, ऊख भोजपुरी भाषा में, हिंदी में, उर्दू में ऊख बोलते हैं जिसको। ये देखो ऊख भी है, ये अभी बड़ी नहीं हुई है, बड़ी होगी अभी धीरे धीरे। ऊख एकदम ओरिजिनल ऊख है देखिए, लेकिन यहाँ पे बहुत मोटी मोटी होती है, जो कि काट के उसको खाया जाता है, छिल के नहीं आप खा सकते, इतना बड़ा मुँह ही नहीं होगा, बहुत मोटी मोटी होती है। तो देखिए, ये दिखा रहा हूँ आपको, ऊख हो गई, ऊख का जो है सीन दूसरे पार्ट में, ऊख का सीन दिखा रहा हूँ। देखिए बहुत ऊख है, ऐसा नहीं कि एक ही, सब बहुत बोई हुई ऊख है, गन्ना जिसको बोलते हैं। देखिए, और शहतूत का पेड़ है, देखिए ये पानी है, ये पानी जाता है, ये पानी की पाइप है, यहाँ पे ऐसे पानी जाता है, एक एक थाला बना दिया जाता है और थाले में पाइप लगा दी जाती है, तो पाइप जब चालू किया जाता है तो थाले में अपने आप ऑटोमेटिक पानी जाते रहता है दोस्तों। और दिखाते हैं, मजरे में काम करने के लिए ये सब करने के लिए ये सब करना पड़ता है। इतनी धूप, अभी देखिए यहाँ 6:45 बज रहा है, लेकिन धूप इतनी है, 6:45 बज रहा है, धूप फिर भी है, इतनी धूप है और बहुत गर्मी रहती है। मजरे में काम करने वाले बेचारे ऊपर से लेके नीचे तक पसीना निकलता है, जो कपड़ा पहने रहते हो पूरा कपड़ा उनका भीगा रहता है। यहाँ पे जब खजूर पकती है, अभी सीजन है खजूर पकने का, जब खजूर पकती है तो यहाँ बोलते हैं गर्मी को एक वर्ड है, रतूबा। वो रतूबे में घर में अपने किचन में खाना पका रहे हो तो उससे आदमी भीग जाता है। काम करने वाले की क्या हाल होती होगी, जो खेती में काम करते हैं यानी मजरे में, उनकी क्या हाल होती होगी, इस तरह पसीना निकल जाता है। आज इसीलिए आपको मजरे में ले आया हूँ कि आदमी दूर प्रदेश में रह के कितनी मुसीबत उठा के पैसा कमाता है, किस कदर पैसा कमाता है, कितनी मेहनत से, कितनी मुशक्क़त से पैसा कमाता है, ये दिखा रहा हूँ आप लोग को। पसीना ऐसा निकलता है कि जब उनके कपड़े उतरते हैं तो गारते हैं तो उसमें से पसीना पानी की तरह गिरता है दोस्तों। आज आपको देखिए, जो कि ये जो है, जहाँ तक बताया जाता है, अलवीरा, ये अलवीरा है, इसको फेस पे भी लोग लगाते हैं, फेस पे भी लगाते हैं, शायद फेस सॉफ्ट होता है, नरम हो जाता है, मुलायम होता है, खूबसूरती बढ़ती है। सर पर भी लगाया जाता है, बाल के लिए फ़ायदेमंद है। और देखिए, जो इंडिया में बोलते हैं, जिसको बोलते हैं नकफन्नी, ये नकफन्नी है, इंडिया में बोलते हैं इसको खा लोगे तो जहर हो जाएगा, फलाना दिखाना, यहाँ नकफन्नी शौक से लगाते हैं, शौक से लगाने के बाद इसका फल निकलता है, तो बोलते हैं फल खाया जाता है, इसके फल के अंदर से पानी निकलता है बोलते हैं दोस्तों। जो है ये हरी मिर्ची आपको दिखा रहा हूँ, हरी मिर्ची, ये देखिए हरी मिर्च, ये हरी मिर्च लगी हुई है, देखिए लाइन से पूरा यहाँ से वहाँ तक हरी मिर्च लगी है, जो कि फलने के बाद ये बहुत तीखी होती है, अभी फल आया नहीं है, इसको बोलते हैं ऊपर तकिया हरी मिर्ची, जो भोजपुरी में हिंदी में बोलते हैं ऊपर तकिया मिर्ची। लाइन से सब मिर्ची लगी, मिर्ची का झाड़ है, बहुत तीखी है ये। देखिए यहाँ पर, वही मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर हर चीज़ होती है, वो देखिए सामने दोस्तों। तो आपको हरी मिर्ची दिखा रहा था, हरी मिर्ची दिखाने के बाद आपको ले जा रहा था देसी खाद पे, वो देखिए देसी खाद, देखिए कितनी पड़ी हुई ढेर सारी। इंडिया में अभी ढूंढने लगो खेत में अपने डालने के लिए तो देसी खाद नहीं मिलती, देखिए यहाँ पे देसी खाद पड़ी हुई है। ये खाद ही की जो है, ये देसी खाद की ही दम है कि जो यहाँ पे बालू के अंदर इतने सामान पैदा होते हैं, जैसे कि आपको दिखाया अलवीरा है, नकफन्नी है, हरी मिर्ची है, शहतूत का पेड़ है, सब चीज़ दिखाया। अंगूर भी देखिए, ये अंगूर की झाड़ दिखाते हैं आपको, अंगूर का झाड़ ये देखिए, ये अंगूर का झाड़ है, अभी फला हुआ नहीं है लेकिन ये भी फलता है, अंगूर का पेड़ झाड़ बोलते हैं बम्बई की भाषा में, लेकिन पेड़ बोलते हैं अपने उत्तर प्रदेश की यूपी की भाषा में। ये देखिए अंगूर का पेड़ है, ये देखिए ये सैजना जो बोलते हैं अपने यहाँ, डाल देखिए यहाँ कोई कीमत नहीं है, सूख गया है ये सहजना, सूख गया है यहाँ पे, देखिए ये सूख गया, सहजना सूख गया, फलता है, जो कि बताया जाता है दाल में डालो, गोश्त में डालो, तो सुनते हैं कि इसका फ़ायदा बहुत है, जोड़ के लिए, हड्डी के लिए बहुत मजबूत मंद फ़ायदेमंद है। ये आपको एक मुफ्त में, आपको एक मुफ्त में वीडियो में इलाज भी बता रहा हूँ,
जो कि खाली आपको सुनना है और इस पे देखना है और मुफ्त का इलाज भी लेना है। ये वीडियो मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अब जो है आपको जो है सहजना के बारे में बताया हूँ, देसी आयुर्वेदिक इलाज। अभी जो है जोड़ जोड़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये, जिसका जूस पिए, इसका जो है सेवन करिए बेहतरीन सा, इसका सेवन जो है मुर्गी में डाल दीजिए, गोश्त में डाल दीजिए, दाल में डाल दीजिए। और ये देखिए बैर, बैर देखिए, ये देखो बैर है, ये अभी सीजन नहीं है लेकिन ये छोटी है लेकिन ये फलेगी। ये देखिए जिसको रतालू बोलते हैं ये सूख गया है, इसका झाड़ ये पड़ा हुआ सूख गया है, रतालू एन गंजी, जिसको गंजी भी बोलते हैं, देख लीजिए आप लोग, यहाँ गंजी भी होती है, गंजी है मूंगफली, गंजी तो यहाँ बहुत होती है क्योंकि बालू है, बालू में ये चीज़ ज़्यादा ही होती है, आपको तो मालूम ही होगा ये सब बालू का आइटम है, बालू पीती। ये देखिए ये नींबू है, यहाँ इस कदर ये नींबू फलते हैं, अभी जो है ये फला नहीं है ज़्यादा लेकिन बहुत ज़्यादा फलते हैं, ऐसा फलते हैं कि जैसे गूलर के झोप्पे, मौसम्बी के झोप्पे, ऐसा यहाँ पे वो फलते हैं नींबू। अब बहुत रस होता है, बहुत रस नींबू के अंदर होता है, देखिए अभी छोटे छोटे फल रहे हैं, ये दिखा रहा हूँ छोटे छोटे आपको फल रहे हैं। आइए देखिए खजूर, ये थोड़ा सा और बड़ी होगी, ये थोड़ी सी और बड़ी होगी ये फलने लगेगी। बोलते हैं कि वहाँ पे बड़ी भी खजूर होती है, चढ़ना भी पड़ता है, और छोटी भी खजूर होती है जो बच्चे तोड़ सकते हैं, तो यही खजूर अगले साल ये फल जाएगी, अगले साल इसको चलता हुआ यानी बकैया चलता हुआ बच्चा भी तोड़ सकता है, इसको जो बकैया चलता है वो भी तोड़ सकता है ये खजूर को। तो देखिए दोस्तों और यहाँ पे क्या लगा है आपको दिखाते हैं, यहाँ पे भी कुछ है, देखिए यहाँ पे जो सब्जी है या कोई चीज़ है, जो है जो टी होती है ब्लू कलर की चाय, वो ब्लू कलर की चाय है, तो ये क्यों लगाया गया, इसके कारण ही लगाने का, इसका कारण ये है कि कुछ चीज़ ऐसी होती है कि धूप ज़्यादा नहीं बर्दाश्त कर सकती है, तो इसके लिए यहाँ पे ये चीज़ लगाया जाता है कि इसको धूप कम मिले। और ये देखिए ब्लू चाय होती है ब्लू कलर की, जब आप बनाएंगे तो ये ब्लू कलर की चाय हो जाएगी। और देखिए यहाँ पे जो है ये धूप बर्दाश्त नहीं कर सकता, सदमा ज़्यादा धूप का, तो इसके लिए इसको भी यहाँ छाव दिया गया है। ये सब क्या है कि धूप बर्दाश्त करने वाले आइटम नहीं है। और क्या बताऊँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए और देखिए ये देखिए ये पेड़ जो है कितना खूबसूरत लग रहा है, ये भी जो है बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, ये बहुत खुशबू देता है। और ये देखिए ये सब है, और जो अंगूर, अंगूर कहीं पे फला हुआ है जो है, हाँ। अंगूर का दूसरा झाड़ था, फल इसमें बहुत लगा था लेकिन क्या कारण हुआ है, पानी नहीं मिला कि धूप नहीं बर्दाश्त कर पाया कि ये सूख गया है, ये अपने घाट को पहुँच गया, जिसको बोलते हैं मौत, ये अपने मौत के घाट पे पहुँच गया। अब इसका कारण पानी न मिलने की वजह है कि धूप नहीं बर्दाश्त कर पाया, गर्म बहुत है, पानी तो अभी भी पानी है। की पाइप है, ये उसकी झाड़ है, सब था यहाँ पे, अब ऑटोमेटिक सब गायब हो गया, देखिए नम भी है, ऐसा नहीं है पानी तो मिला है, हो सकता है ये धूप का सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाया है, धूप नहीं बर्दाश्त कर पाया है इसकी वजह से ये मर गया है। ठीक, देखिए ये हल्दी का झाड़, देखिए ये हल्दी की झाड़ है, हल्दी का पेड़, और ये तो आप जानते होंगे पाइनएप्पल, जिसको अनानास बोलते हैं, अनानास भी लगा हुआ है, पाइनएप्पल है, हल्दी है, और जो है जैसा कि अभी दिखाया था ये भी देखिए, अभी आपको आगे वो चीज़ दिखाया था वही चीज़ ये है, ये बड़े में फल रहा है, ये बड़े में फलता है, वो छोटे में है। और देखिए ये देखिए ये भी एक झाड़ है, बहुत बेहतरीन माना जाता है, ये भी अच्छा है, और ये हल्दी की झाड़ है। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, अली आज़मी ब्लॉग चैनल अच्छी लगी हो वीडियो, तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़, नमस्कार, जय हिंद।